नमस्कार दोस्तों, कनाडा की तीन बिग अपडेट्स हैं। अगर आप जाना चाहते हो कनाडा, चाहे अगर आपने फाइल लगा रखी है, चाहे आप जो है फाइल लगाने वाले हो इन दिनों में, तो आप चाहे स्टडी वीजा लगाने जा रहे हो, चाहे आप स्पाउस ओपन वर्क परमिट, चाहे आप विजिटर टूरिस्ट, चाहे जो भी कैटेगरी में लगाने जा रहे हो, आपके लिए ये तीनों अपडेट्स बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा स्टडी परमिट वालों के लिए, जो एक बिग अपडेट है। आपने देखा होगा कि रिसेंटली पहले एक आपको पता है कि काफी स्टूडेंट्स पकड़े गए थे जिनके फेक ऑफर लेटर थे, बट रिसेंटली आल्सो फेक ऑफर लेटर्स पकड़े गए एंड उनको डिपोर्ट करने का ऑर्डर दिया गया है। अब उस मामले में कनाडा क्या कर रही है, उस मामले में कनाडा ये कर रही है जो कि हम न्यूज देख रहे हैं, उसमें जो कनाडा का ईच ऑफर लेटर सबमिट होगा स्टडी परमिट की एप्लीकेशन में, वो वैलिडेट किया जाएगा, वो कंफर्म किया जाएगा। वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं या फिर कोई ऐसा जरिया वे तैयार कर रहे हैं जिससे ईच ऑफर लेटर जो है वैलिडेट किया जाएगा, कंफर्म किया जाएगा कि ये एक जेन्युइन है। आपको पता होगा कि जो फेक ऑफर लेटर के बिहाफ पे ही स्टूडेंट चले जाते थे कनाडा, एजेंट्स काफी ऐसा जो स्टूडेंट्स के साथ धोखाधड़ी करते थे। एंड उसके बाद क्या है कि अभी जो है कि ईच जो करंटली आपने देखा होगा कि कोई ऐसा ऑफर लेटर वैलिडेट नहीं होता था, सो दैट्स वाई बहुत लोग ऐसे ही निकल गए, बट अब वो ईच ऑफर लेटर वैलिडेट होगा। सो सेकंड जो अपडेट है उससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं पुनीत फ्रॉम पुनीत इमिग्रेशन एंड एजुकेशन सर्विसेज से। अगर आप न्यू व्यूअर हो ऑन दिस यूट्यूब चैनल, देन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड जहां पे आपको डेली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के रिलेटेड जो भी न्यूज होती है या अपडेट्स होती है वो देखने को मिलेगी। सो सेकंड अपडेट हम लोग देखते हैं कि कनाडा, हाँ आपको पता होगा कि कनाडा में अभी बहुत ही हाउसिंग प्रॉब्लम चल रही है, रेट्स काफी ज्यादा ऊपर है। इवन अकेले हाउसिंग प्रॉब्लम नहीं हो रही, और भी आपको पता है कि बैंकों के ब्याज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है एंड फर्दर जो जॉब्स के पे रेट इतने वेजेस ज्यादा नहीं है एंड खर्चे स्टूडेंट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, हाउसिंग प्रॉब्लम भी एक मेन प्रॉब्लम मानी जा रही है। सो ना कहीं ये एडवाइस न्यूज निकल के आई थी कि अब वो इमिग्रेशन को बहुत ज्यादा लो करेंगे, ठीक है, चाहे वेस्टर्न हो गया, स्टडी परमिट हो गया, चाहे जो भी है, उसको बहुत ज्यादा लो करेंगे। सो इसमें काफी चीजें हैं जो डिस्कस हुई है, ठीक है, उनकी गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट में डिस्कस हुई है ये चीजें, बट जो एट द एंड कंक्लूजन निकल के आया है वो एट द एंड कंक्लूजन ये था कि कनाडा का जो मेन सोर्स है इनकम का, मेन मैं कहना चाहूंगा कि क्योंकि वो इमिग्रेशन से है। सो अगर वो कनाडा की इमिग्रेशन अपना लो कर देंगे, स्टूडेंट को कम बुलाना स्टार्ट कर देंगे, तो क्या होगा कि वहीं पे उनका जो सोर्स है, जो इनकम है, वो रिड्यूस हो जाएगी। तो करंटली तो पहले से ही जो है हाउसिंग प्रॉब्लम चल रही है, ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही है। तो इसका सोल्यूशन, जो खबर अगर आपको ये पता चली होगी कि लो करने वाले या जल्दी फाइल लगा लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। सो अभी आपने एक ट्वीट भी पढ़ा होगा जो कि ट्रूडो ने किया था, उन्होंने ट्वीट किया था कि जो हाउस जो बनाते हैं उनको अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, हाउसिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने पे बहुत ही ज्यादा जो है गवर्नमेंट, कनाडा गवर्नमेंट वो न्यू रूल्स लेकर आ रही है जो इसको टैकल करने के लिए, करंटली प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए बहुत सारे रूल्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं, काफी चीजों पे टैक्सेस वो हटवा रहे हैं। सो आपने ये न्यूज भी देखी होगी, सो इस न्यूज से आपको नहीं डरना है, वो इमिग्रेशन को नहीं कम करेंगे। आपको ही पता है कि काफी ज्यादा इनकम सोर्स डिपेंडेड है, ठीक है, ऑन द इमिग्रेशन, स्टूडेंट्स हो गए, टूरिस्ट हो गए या और भी, ठीक है, लेबर मार्केट में भी उनको चाहिए होते हैं वर्कर्स, ठीक है। तो थर्ड हम बात करने जाते हैं, ठीक है, जो स्टडी परमिट वालों के लिए है। अभी क्या है कि देखो पहले क्या होता था, 2017-18 में क्या था, एसपीपी कैटेगरी होती थी स्टूडेंट, ठीक है भाई, तो उसमें क्या था कि हमें ओवरऑल 6 चाहिए थे ईच 5.5, तो हम एसपीपी कैटेगरी में हो जाते थे। उस टाइम में कुछ ज्यादा नहीं थे ज्यादा नहीं थे, बहुत ही कम लेवल के, कम प्रोग्राम्स या फिर कम कॉलेजेस ही अप्रूव्ड थे, ठीक है, तो उन अगर कोई उन कॉलेजेस में एडमिशन लेता था तो वो एलिजिबल होता था एसपीपी कैटेगरी में। उसके बाद स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम आया, तो उसमें क्या हुआ कि कॉलेजेस भी ज्यादा हो गए, ठीक है, और उसमें क्या होगा कि अब स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम में क्या हुआ कि आपके पास DLA अप्रूव्ड से आपके पास एडमिशन होना चाहिए। मतलब अगर आपने SPP में क्या होता था कि ओनली गवर्नमेंट पब्लिक कॉलेजेस ही एलिजिबल थे, बट अब क्या है STS कैटेगरी में कि ओनली DLA अप्रूव्ड,
तो वो प्राइवेट कॉलेजेस भी बहुत सारे हैं जो DLI अप्रूव्ड है, उनमें चाहे वर्क परमिट नहीं है। अगर आप उस कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हो जिसमें वर्क परमिट नहीं है बट उसके पास DLI नंबर है एंड आपके पास ओवरऑल 6 जो करंटली आपको पता है कि ओवरऑल 6 चाहिए, एक साल की फीस भर रहे हो एंड GIC आपके पास है, तो आपको क्या है कि SDS में एलिजिबल हो। बट अभी करेंटली क्या कर रही है सरकार, जो आपको पता है गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए या फिर इसका प्रोसेसिंग टाइम और बढ़ाने के लिए अभी एक न्यू कैटेगरी को लॉन्च करने जा रही है गवर्नमेंट। उसमें क्या होगा कि रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस ही होंगे, जो भी बच्चा एप्लीकेंट उस कॉलेज में एडमिशन लेता है, फॉर एग्जाम्पल एक कॉलेज है हम्बर कॉलेज कह लिया मैंने, एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसका पता नहीं है, कि अगर कोई हम्बर कॉलेज में एडमिशन लेगा तो उसका प्रोसेस से जो बहुत स्मूथ चलेगा, उसके लिए अप्रूवल रेट भी बहुत ज्यादा होगा, उसके लिए जो है कि इतनी ज्यादा वेरिफिकेशन भी नहीं होगी कि जो सारा काम है अब वो कॉलेज ही देख के एडमिशन देगा उसको, जैसे कि यूके की यूनिवर्सिटीज में होता है। ठीक है, तो ऐसी चीज है जो नया सिस्टम लॉन्च करने जा रही है कैनेडियन गवर्नमेंट। तो ये थी आज की अपडेट्स, अगर आप ऐसी फ्रीक्वेंटली अपडेट्स लेना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, आपको डेली ऐसी ही अपडेट्स रेगुलरली मिलती रहेंगी। सो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको जैसी चल अच्छी लगी देन आप लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल।